हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। तो बच्चों आइए, आज हम दोहरान कार्य के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन लिखते हैं जिसे आपको करना है। तो ऊपर लिखिए दोहरान कार्य। क्या लिखेंगे बच्चों? दोहरान कार्य। क्वेश्चन नंबर एक, 12 खड़ी लिखो। 12 खड़ी लिखो। मैंने आपको पूरी 12 खड़ी करवाई है बच्चों, अब आपको किसकी 12 खड़ी लिखनी है? क की, च की, प की और त की। आपको ये 4 12 खड़ी लिखनी है बच्चों। आपको लाइन बच्चों स्केल से खींच सकते हैं, मेरे पास बड़ा स्केल नहीं है, आप अपनी कॉपी में स्केल से लाइन खींच के कर सकते हैं। एक क की मैं आपको लिख के बताती हूँ 12 खड़ी, च प और त की आपको अपने आप लिखनी है। क का, की, कु कु, क्री, के कई, को कौ, कम क। ये हुई क की 12 खड़ी। क का, की, कु कु, क्री के कई, को कौ, कम कह। ये क की 12 खड़ी है। वैसे ही आपको च की 12 खड़ी लिखनी है। चा, ची, ची, चु, चु, च्री, चे, चई, चो, चौ, चम, च। ये लाइनें खींच के मैंने आपको दी है, इन लाइनों के हिसाब से आपको 12 खड़ी लिखनी है। प पा, पी पी, पु पु, प्री पे पाई, पो पाऊ, पम पा। ये प की 12 खड़ी हो जाएगी बच्चों। फिर त की 12 खड़ी लिखनी है। ता ता, ती ती, तू तू, त्री ते तई, तो तऊ, तम तह। ये त की 12 खड़ी है। ये पूरी 12 खड़ी आपको लिखनी है। और बच्चों आपको इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि आप इस चीज को बोल बोल कर लिखेंगे और एग्जाम में मैं आपको ये सारी चीजें जरूर दूंगी, तो आप इसे याद कर लें और हमेशा जो भी काम करें उसको बोल बोल कर लिखें। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए बच्चों। आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मिलान करें। अब
आपको मिलान करना है बच्चों। मिलान करना है बच्चों, शेर कहाँ रहता है? गुफा में। और डॉगी कहाँ रहता है? घर में। तो मिलान कैसे करेंगे? शेर का गुफा से और डॉगी का घर से। ये आपको मिलान करना है, शेर कहाँ रहता है बच्चों? गुफा में। और डॉगी कहाँ रहता है? घर में। और एक और है, चिड़िया कहाँ रहती है बच्चों? मैं बनाना भूल गई थी, कोई बात नहीं, अब बता दिया मैंने। चिड़िया कहाँ रहती है बच्चों? पेड़ पर। कहाँ रहती है चिड़िया? पेड़ पर। तो चिड़िया का मिलान किससे करेंगे? पेड़ से। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। डॉगी कहाँ रहता है? घर में। और चिड़िया कहाँ रहती है? पेड़ पर। तो आपको इसका मिलान करना है और इनमें कलर भी भरने हैं, जिससे आपको हर चीज का पता रहे। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अपने विद्यालय, अपने विद्यालय का नाम लिखें। आपको आंसर देना है बच्चों, यहां पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। जैसे कि आप करते हैं, तो आपके विद्यालय का नाम क्या है? गीता बजाज बाल मंदिर जयपुर। मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ बच्चों। तो यहाँ आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है।
फिर भी मैं आपको लिख के दे रही हूँ, गीता, बजाज, बाल, मंदिर, जयपुर। ठीक है बच्चों, ये आपको लिखना है विद्यालय का नाम, और आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए बार बार आपको नीचे लिखना है, जिससे आपको बहुत अच्छे से लिखना आ जाएगा। मैंने आपको बताया भी है कि आप कौन से शहर में रहते हैं, जयपुर शहर में रहते हैं, और आपका विद्यालय भी जयपुर शहर में है। मैंने आपको बड़ा नहीं लिखवाया, हालांकि यहाँ पे मोती डूंगरी भी आता, लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इतना जरूर लिखें, गीता, बजाज, बाल मंदिर, जयपुर, या आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। तो इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों। आपने लिख लिया होगा ये क्वेश्चन, मैं इसे हटा रही हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? आपको एक शब्द में उत्तर देना है बच्चों। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? आपको आंसर देना है कक्षा प्र। आपको इसी तरीके से लिखना है कक्षा प्र। तो आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए बच्चों, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कक्षा प्रेप में। और क्वेश्चन नंबर 5 है, आप अपना नाम बताइए। आपको अपना नाम बताना है बच्चों, आप अपना नाम बताइए। आंसर आपको एक के शब्द में देना है नाम, और यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। जैसे आपका जो भी नाम हो, मनीष, मनीष अपना नाम लिखेंगे, अजय तो अजय अपना नाम लिखेंगे, हिया तो हिया अपना नाम लिखेगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, नाम लिखा हुआ आपको अपना नाम स्वयं लिखना है। तो ये थे बच्चों कोई 4 क्वेश्चन, जिसे आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, और ये 5ों क्वेश्चन आप सुंदर राइटिंग में लिखेंगे बच्चों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आज के लिए 5 क्वेश्चन बहुत है बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों, और इसे काम करके मुझे चेक जरूर करवाएं। थैंक यू।